अपनी नई नई शादी को लेकर सुर्खियों में आए एक्ट्रेस आलिया भट्ट लेट एक्टर ऋषि कपूर और नीतू कपूर की इकलौती बहू बन चुकी हैं और इनके ससुराल के घर के एक एक सदस्य के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं, पर शायद ही आप कभी आलिया भट्ट की ननद और देवर से नहीं मिले हैं, जो बहुत अच्छे हैं और आलिया से बेहद प्यार करते हैं, जिनसे आज हम आपको इस वीडियो में रूबरू कराएंगे। पर इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कपूर एक रिच खानदान की बहू बनकर आज आलिया भट्ट ने जहाँ बहुत बड़ी खुशकिस्मती पाई है, वहीं वो खुद को इसलिए लकी मानती है क्योंकि इन्हें एक अच्छी माँ के रूप में सास नीतू कपूर मिली है, जो इन पर अपनी जान छिड़कती है। मगर आलिया को सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि इन्हें बड़ी ननद के रूप में रणबीर कपूर की बहन रिधिमा कपूर सहानी मिली है, जो पेशे से एक ज्वेलरी डिजाइनर होने के साथ साथ हाउस वाइफ भी है और दिखने में इतनी खूबसूरत नजर आती है कि उनके आगे सभी फेल है। इतना ही नहीं, वो दिल की इतनी साफ है कि आलिया को शादी किए महज 2 दिन हुए हैं कि रिधिमा इनसे इतना अच्छा बॉन्ड रख रही है जैसे कि वो आलिया की बड़ी बहन हो। जी हाँ, अगर हम आलिया और इनकी ननद रिधिमा की फैमिली फोटोज देखें तो इन फोटोज में बेशुमार प्यार हमें दोनों के बीच नजर आ रहा है और दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि आलिया रिधिमा के दिल के बहुत करीब है। इसलिए तो दोनों भाभी ननद कम सहेलियां बनकर एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गई। इसके अलावा देखा जाए तो बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेसेस करिश्मा और करीना कपूर भी रिश्ते में आलिया की बड़ी नंदे लगती हैं, क्योंकि ये दोनों रणबीर कपूर की कजिन सिस्टर्स हैं और आज दोनों आलिया को अपनी भाभी के रूप में पाकर बहुत खुश है। लेकिन अगर बात की जाए रणबीर के भाई यानी कि आलिया भट्ट के देवर की, तो रणबीर का अपना कोई भाई नहीं है, लेकिन उनके 3 कजिन ब्रदर्स आदर जैन, अरमान जैन और निखिल नंदा है और तीनों ही अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। बात करें तीनों के साथ आलिया के बॉन्ड की, तो आलिया के साथ इनका बॉन्ड काफी अच्छा है क्योंकि तीनों ही आलिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मगर अपने देवरों के साथ आलिया की एक भी तस्वीर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप रणबीर कपूर के भाई बहन यानी कि आलिया की नंद देवर से पहले भी मिल चुके हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।